नमस्कार, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज। एक बार फिर से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश सचिव जहद खान साहब उपस्थित है। हाल ही में मुंबा देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक माननीय अमीन पटेल साहब ने विधान परिषद में गैर कानूनी निर्माण को लेकर मुद्दा उठाया और मुद्दा ये था कि किस तरह से बी वार्ड और सी वार्ड में गैर कानूनी निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले आइए हम अमीन पटेल साहब का वो वीडियो देखते। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुंबई में जो पार्ट ओसी जिस बिल्डिंग को मिली है उसके लिए एक समिति बना करके उन सोसाइटी में रहने वाले को न्याय देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फैसला किया। हम उसका स्वागत करते हैं सभी एमएलए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे दो मुद्दे है। एक मुद्दा तो वो है जो लीगली पार्ट ओसी लेके जो बिल्डिंग बनाई गई है उसके ऊपर निर्णय। एकनाथ शिंदे जी, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि बहुत सारी बिल्डिंग और खास करके मुंबई में बी वार्ड में और सी वार्ड में विदाउट परमिशन, विदाउट ओसी, विदाउट सीसी की बिल्डिंगें बनी हुई है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए खास करके मैं स्पेसिफिक प्रश्न विचार रहा हूं आपको कि यूडी डिपार्टमेंट बी वार्ड और सी वार्ड में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है उसको रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। कैसे विधायक महोदय ने अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र का मामला विधान परिषद में उठाया, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश सचिव जहद खान साहब उपस्थित है। उनसे ही जानकारी लेंगे कि माननीय विधायक साहब की कार्य पद्धति अपने चुनावी क्षेत्र में किस तरह से चल रही है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। शुक्रिया। आपने जिस वीडियो की बात की, मैं उसके लिए कहूँगा अमीन पटेल साहब थैंक यू। एक जुमला उन्होंने कहा, जब जागो तब सवेरा, तो जब जागेंगे तो सवेरा होगा। बहुत अच्छी बात की उन्होंने बी वार्ड और सी वार्ड के ताल्लुक से। सी वार्ड, मैं समझता हूँ कि बी वार्ड और सी वार्ड की जो रेज है, सी वार्ड उसमें बहुत आगे निकल चुका है गैर कानूनी कामों के लिए। ये एक जाँच का विषय है। विधानसभा में जो बातें आपने जो वीडियो सुनी उसमें विधानसभा में यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा आखिर में, जब एमएलए साहब ने कहा, जो शिकायत की उसके बाद में, कि आप अर्जी भेजो। आज इस दौर में, पहले एक ज़माना था कि हम टेलीफोन करना, अगर पास पड़ोस सूरत में ट्रंक कॉल करना था तो दो दो घंटा लाइन में रखना पड़ता था। आज इस जदीद दौर में आप ये कहोगे आमदार से कि अर्जी करो, एक वो दिमाग में नहीं बैठती। और मैं कहता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में हज़ारों शिकायतें, हमारे सूत्रों से हमें पता चला कि हज़ारों शिकायतें लोगों ने दे रखी है, लेकिन वो खामोश है। क्यों खामोश है? आप अर्जी मंगाने की ज़रूरत नहीं, आपका डिपार्टमेंट है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, मुंबई महानगर पालिका आता है, आप कमिश्नर को एक खत लिखोगे इस तरीके से गैरकानूनी इमारतें जो बनी हैं उसका पूरा एक पूरी लिस्ट भेजे, आईटीआई से एक राय, एक आम आदमी सारी रिपोर्ट निकाल लेता है, तो आप तो मिनिस्टर हो, आपकी जिम्मेदारी हो, आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीज़ें निकलनी चाहिए कि कौन सा गैर कानूनी काम आज हुआ है और आज से पहले हुआ है। देखिए, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, मैं भी उस मतलब आमदार के साथ में उससे बात मिलाते हुए बोलता हूँ। एक बशीर बदर साहब ने एक शेर कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, इन्हें तरस नहीं आता बस्तियाँ वो जलाने में है, उजाड़ने में। तो ये तरस कौन खाएगा? आपका वो जुमला बार बार कान में गूंजता है कि जब जागो तब सवेरा। सर, अगर आप पहले जाग गए होते तो वो जो 100 औरतें जिन्होंने जेवर बेचा है, अपने बाप दादा की कमाई को बेच कर घर खरीदा है, वो सड़क पर नहीं आती। ये जागने का काम आपका था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जागना और सोना। ये आपको अगर आप जाग गए होते तो वह इमारतें नहीं बनती सी वार्ड में या बी वार्ड में, जिनकी 100-100 टेनेंट आज रो रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है, देखिए मैं अभी वो किराना का अगर जिक्र करूं तो गलत नहीं होगा कि वो चार लोग जो जेब से कुचले गए उनकी मौत हुई और उसके मुजरिम को जमानत हो गई। तो ये जो कोर्ट के विषय होते हैं ना, वो मुंबई महानगर पालिका किस तरीके से अपने लीगल को बढ़ाता है, कमिश्नर उसमें कितना इंटरेस्ट लेता है पुरानी इमारतों को बचाने के लिए, ये वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बात तो सही है कि जो बिल्डिंगें बन जाती हैं और वो टूटती हैं तो इसमें मरता कौन है? गरीब मरता है। इसमें बचता कौन है? वो लैंडलॉर्ड बन जाता है, बच जाता है, वो ब्यूरोक्रेट्स बच जाता है,
जो बीएमसी से ताल्लुक़ रखता है, वो बैरोक्रेट बच जाता है जो महाडा से ताल्लुक़ रखता है, और वो पॉलिटिशियन बच जाता है जिसके छत्र छाया में ये सारा काम होता है। मरता टैलेंट है, उस टैलेंट को मराने बचाने का जो ड्रामा होता है बाद में, वो बहुत दास्तानें लिखता है, बहुत कहानियाँ लिखता है, और इन कहानियों के पीछे कौन कौन लोग होते हैं ये सबको पता होता है। एक वाक्या जो उन्होंने बताया कि मतलब मुंबई पार्किंग के विषय पे कि इसमें ना तो महाडा आती है और ना ही पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट MCGM का है, मुंबई महानगर पालिका का। ये कोई बड़ा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए सर, एक शिकायतकर्ता म्यूनसिपल कमिश्नर में जब शिकायत करता है और उसके साथ वो CC2 मारता है, जैसे पुलिस स्टेशन में जब पुलिस के पास ये मामला जाता है तो पुलिस क्लियर कट कह देती है कि ये मैटर सिविल है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो सबको बनती है। देखिए 100 नंबर जब आप डायल करते हैं तो पुलिस आती है और उसको रोकती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। आज ये हैंकॉक ब्रिज का मसला है, उसके बाजू में जो अतराफ में झोपड़पट्टी बची है, ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो पुलिस के ही अंडर में आता है। पुलिस भी जिम्मेदार है इस गैर कानूनी इमारतों के लिए, पुलिस भी जिम्मेदार है इन सारे। अभी देखिए मैं, अभी ये जो नए कमिश्नर आए हैं संजय पांडे जी, मैं मेरा दिल ये कहता है कि ये कुछ सख्ती दिखाएंगे। अगर देखिए नीति और नीयत बहुत अच्छी चीज़ है कि नीति हम क्या बनाते हैं, हमारी नीयत क्या है, वो दो अलग अलग विषय है। नीयत, नीति आप कितनी अच्छी बना लो, अगर नीयत आपकी अच्छी नहीं है तो कोई काम होने वाला नहीं। अभी सिग्नलों पे ट्रैफिक का मसला होता है, वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसको सीधा करना। हॉस्पिटल में लोग गए, इलाज अच्छा नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि आप जिन चीज़ों को करने के लिए आप ये कहते हो आसानी से हटने के लिए कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो लोगों से जुड़ी हुई और नहीं होती वो रॉकेट साइंस है क्या? मनपा बी विभाग और सी विभाग का जिस तरह से विधायक महोदय ने मामला उठाया है गैर कानूनी निर्माण को लेकर, लेकिन बी वार्ड में ऐसे बहुत से अवैध निर्माण और अवैध बांधकाम किए गए जिसका पहले से संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी था, उसके बारे में क्या आपका कहना है? वो तो एक जुमला पूरा हो जाता है कि जब जागो तब सवेरा है। आप अभी से जाग जाएं तो आने वाले जो 100, 200, 500 लोग मरने वाले हैं जेवरों को बेचकर, वो नहीं मरेंगे। आप जाग जाइए बस। तो विधायक महोदय ने जो मामला उठाया है वो आपके नज़र में सही है या नहीं? सही इसलिए नहीं है कि वो 15 साल बाद उठाया उन्होंने, सही इसलिए है कि वो वक्त की ज़रूरत है। देखिए पूरे देश में कांग्रेस का क्या हाल है सारी दुनिया जान रही है। यूपी में लड़ सकती हूँ वाला नारा लगा लेकिन फिर भी एक सीट, पूरा पंजाब इन्होंने अपने हाथ से खो दिया, आने वाले दिनों में ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब खोने वाले। अगर इन लोगों ने अपनी नीतियों को बदला नहीं, नगर सेवक अगर इनको वही दरवाजे खोलने वाले चाहिए, वही सलाम करने वाले चाहिए, वही कुर्सी साफ करने वाले चाहिए, तो हालात नहीं बदलेंगे। अगर आपको हालात को बदलना है तो वो दरवाजे खोलने वाले और कुर्सी साफ करने वालों को साइड करके अच्छे लोगों को लाना चाहिए आपको। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यही हाल होगा, लोग रोएंगे और आप जाएंगे। यानी कांग्रेस की कार्य पद्धति में फेरबदल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं हम देखिए आप लोगों का काम करिए। आज केजरीवाल को 8 साल में उसने क्या किया, 2 स्टेट्स का वो चीफ मिनिस्टर हो गया। 70 साल में तुम सिर्फ खोते जा रहे हो और फिर भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते। आप अगर अब लोगों के काम को हल नहीं करोगे, ये लोगों की मजबूरी थी, BJP और शिवसेना के सामने कौन है, कोई नहीं, तो आपको दो। जब आप अगर काम नहीं करोगे तो ठीक है, दूसरे लोग भी हैं लाइन में। आज समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में आ रही है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, और अच्छा नहीं रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मुंबा देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र माननीय विधायक अमीन पटेल साहब ने जिस तरह से विधान परिषद में बी और सी वार्ड को लेकर मामला उठाया, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं, इसकी जानकारी आज हमारे चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश सचिव जैद खान साहब ने दिया है। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।